वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी इंसान आपको हल्के में लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों के कुछ कमेंट ऐसे देखने को मिले जिसमें सवाल ये था कि अगर कोई भी इंसान हमको हल्के में लेने लगे तो हम क्या करें। तो यहाँ पे तीन पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट थिंग इज़, आपको जो है उसके वीकनेसेस को उसे बताना होगा, और ये तब होगा जब आपको उसके वीकनेसेस का अंदाज़ा होगा, पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान आपको हल्के में ले रहा है तो फिर हम उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके वीकनेसेस को फाइंड आउट करना है। तो अगर उसके वीकनेसेस का पता आपको लग गया तो वो इंसान कभी भी आपको हल्के में तो नहीं ले सकता। ऐसी गलती भी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे डरने लगेगा और आप खुद में एक उसके वीकनेसेस बन जाओगे। ये कैसे होगा? तो आपको बस इतना ही करना है कि आप पता लगाओ कि उसको किन चीज़ों की वजह से डर लगता है। जितने भी चीज़ों की वजह से वो डरता है, जिसको भी वो छुपा कर रखना चाहता है, वो उसके वीकनेसेस हैं, कमियां हैं। बस इतना कर लो, आप दो चार उसके वीकनेसेस का पता लगा लो, फिर देखो क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक इंसान है जो कि मैरिड है और उसका रिलेशनशिप किसी और से भी है। तो आपको ये अगर पता है तो अगर वो इंसान आपको हल्के में ले तो आप उसको बोलो कि मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किससे है, और अगर ये बात तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो सोचो जरा क्या क्या हो सकता है। तो वो इंसान डर जाएगा, क्योंकि वो इन चीज़ों को छिपाना चाहता है। तो ये उसकी वीकनेस हो गई। तो ऐसे ही वीकनेसेस का पता आपको लगाना है जो भी आपको हल्के में लेता है। तो अगर आप इतना कर पाए तो यकीन मानिए किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको हल्के में ले। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको उसके वीकनेसेस को बताना होगा, एटलीस्ट एक वीकनेस तो उसको बता ही दो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर दो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा मुंह मत लगाना ऐसे लोगों को, हो सके तो इग्नोर कर लेना। जो भी आपको हल्के में लेता है उसे सीरियसली बोल रहा हूँ कि मुंह मत लगाना, जितना हो सके कम ही बात करना। पहली बात तो बात नहीं करना, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो बात सिर्फ उतना करना जितना ज़रूरी है। इन शॉर्ट में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बात करते वक्त। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत देना, ज़्यादा कनेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल मत करना। जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही कम करना, कीवर्ड्स पे बात करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी को ज़्यादा मुंह लगाते हो तो बट ऑब्वियस है कि वो आपको सीरियसली नहीं लेगा, बहुत ही हल्के में लेगा। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर थोड़ा रखना, इग्नोर कर लेना, लेकिन प्लीज़ मुंह मत लगाना ज़्यादा, उनसे बातें थोड़ा कम ही करना। ये दूसरा पॉइंट है। अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस दो वर्ड बोलने हैं, थैंक यू। ये वर्ड आपको तब बोलना है जब उसका लेक्चर समाप्त हो जाए, ठीक है। जो भी इंसान आपको हल्के में लेता है और आपको बहुत सारी चीज़ें बोलता है, आप पे लेक्चर एक देता है, तो उसकी बातें सुन लो और बोलो थैंक यू सो मच, अभी मुझे जाना है, रास्ते से हट जाओ। मतलब कि इसका इंप्रेशन ये होगा कि आप में एक ज़बरदस्त एटीट्यूड का परिचय दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उसको लगेगा कि क्या इंसान हो आप, आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, हम इतना कुछ कह गए और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब कि आप तो बहुत एक स्टैंडर्ड वाले इंसान हो। तो अगली बार से वो आपको हल्के में लेना बंद कर देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हमेशा मैं बात करता हूँ कि एटीट्यूड को इम्प्रूव करना ज़्यादा बेहतर है। एक ऐसे लेवल पर एटीट्यूड को पहुँचाओ जहाँ पर जो है लोगों के सामने आपको खुद को प्रेजेंट जब आप करें तो आपको प्राउड फील हो, और सामने वाले लोग जो है जेलसी की वजह से या किसी और की वजह से आपको इग्नोर ना कर पाएँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है यहाँ पर थैंक यू सो मच कहना ही पड़ेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। हर पॉइंट का सेंस मतलब है कि हर कन्वर्सेशन में जब भी कोई आपको हल्के में ले तो उसको बोलना थैंक यू सो मच, मुझे तो ये पता ही नहीं था, तुमने बता दिया, अच्छा किया, अभी हटो मुझे जाना है। ये कह के आपको रुकना नहीं है, वहाँ से निकल लेना है। तो कितना सिंपल सा ट्रिक है ये कि थैंक यू सो मच बोलना, थैंक यू बोलना, थैंक्स बोलना, और वहाँ से निकल लेना। इतना काम अगर आपने कर दिया तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी और वो आपको सीरियसली लेगा, आपके एटीट्यूड का इतना कायल हो जाएगा कि वो आपसे जलन करेगा और आपको फॉलो भी करेगा। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन है उसको ज़रूर लिखेगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पर बात करना चाहते हो, कोई सवाल है आपका, तो आप मुझे कॉल मी फोर एप्लीकेशन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। लिंक उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, और वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।